सोचो एक ही फिल्म में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन सभी के सभी साथ में आ जाए तो मजा आ जाएगा ना, है ना। और अब ऐसा हो सकता है गाइस, यस, और वो भी ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में। रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा दिया है एंड अभी भी बढ़िया ही चल रही है। आयान मुखर्जी डायरेक्टेड इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। अब इस सक्सेस के बाद आयान मुखर्जी ने पार्ट टू पर काम करना भी शुरू कर दिया है। वैसे ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये ट्रायलॉजी होगी, यानी कि इसके तीन पार्ट्स आएंगे, लेकिन अब जब से इसके पार्ट टू पर बातें होनी शुरू हो गई है तब से कई स्टार्स के इस कास्ट को ज्वाइन करने की खबरें भी सामने आ रही है। कभी रणवीर सिंह का नाम सामने आता है तो कभी ऋतिक रोशन का। कहा जा रहा है कि इन दोनों में से ही कोई देव का कैरेक्टर प्ले करने वाला है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में। तो अब ऋतिक रोशन मुंबई में एक इवेंट पर गए और जब उनसे उस पर अपडेट पूछा गया तो उन्होंने भी कर दिया इस बात पर खुलासा। तो ऋतिक ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनके इस फिल्म में काम करने की खबर और भी तेजी से बढ़ने लग गई है। एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए ऋतिक से ब्रह्मास्त्र में काम करने की खबरों के बारे में पूछा गया और इसके साथ ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर भी जो उनका नाम सामने आ रहा था उस पर भी बात की गई। अब इस पर ऋतिक ने इस तरह से रिएक्ट किया है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मेरी अगली फिल्म फाइटर है, इसके बाद दूसरी फिल्में बनने के चांसेस है जिनके बारे में आपने बात की, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब ऋतिक ने यहाँ पर क्लियरली तो कुछ नहीं बोला है लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया है और इसी वजह से फैंस को अब लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में जरूर हो सकता है कि ऋतिक रोशन प्ले करे देव का कैरेक्टर। लेकिन अब इसके बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक से दोबारा ब्रह्मास्त्र के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ये सब सिर्फ रूमर्स है और इनमें कोई भी सच नहीं है। इसी के साथ पहले खबरें तो ये भी आ रही थी कि ऋतिक रोशन नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भी नजर आने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हुए भी ऋतिक रोशन ने कहा है कि बहुत जल्द अगले प्रोजेक्ट्स की मैं अनाउंसमेंट करूंगा। लेकिन अगर ये सच होता तो डेफिनेटली बॉलीवुड फैंस को बहुत मजा आता और कहीं ना कहीं सबको कभी खुशी कभी गम की भी याद जरूर आती, क्योंकि उस फिल्म में भी तो थे शाहरुख, ऋतिक और अमिताभ बच्चन एक साथ। अब इसी के साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि विक्रम वेदा के अलावा ऋतिक रोशन फिल्म वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ फाइटर की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। वही 30 सितंबर को उनकी फिल्म रिलीज हो रही है विक्रम वेदा, जिसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिलहाल इस फिल्म को लेकर अभी काफी बज़ भी बना हुआ है। ये फिल्म 2017 में तमिल में बनी फिल्म का हिंदी रीमेक है, जिसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ था ना लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया था और इनफैक्ट यहाँ पर जो जोड़ी है ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की, ये ब्रह्मास्त्र को काफी पीछे छोड़ देने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी देखते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर भी क्या ये कमाल दिखा पाती है या नहीं और क्या कहना होगा क्रिटिक्स का भी इस फिल्म के ऊपर। इसी के साथ साथ अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और सबके साथ शेयर भी जरूर करना और इस तरह के हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए आप देखते रहिए यू ही ENT Live।